टीवी के महादेव और टीवी की नागिन की लव स्टोरी टीवी इंडस्ट्री में एक ओपन सीक्रेट है। अब ओपन सीक्रेट इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि इन दोनों ने कभी भी खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इसीलिए इन दोनों के जेस्चर से हमेशा ऐसा लगता आया है कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इन दोनों के रिश्ते में दरार के संकेत दे दिए हैं। जी हाँ, दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान मोहित अपनी बात कहकर आगे निकल गए, जबकि मौनी रॉय उनके पीछे ही खड़ी रह गई। उन्होंने मौनी को जरा भी तवज्जो नहीं दी, जो कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा देता है। तो कहानी दरअसल कुछ यूँ है कि मौनी और मोहित दोनों ही साथ में मोहित के न्यू शो 21 सरफरोश सारा घड़ी 1897 के स्क्रीनिंग पर पहुँचे थे। खबरों के मुताबिक मोहित बिल्कुल टाइम पर आए, जबकि मौनी रॉय वेन्यू पर आधा घंटा लेट से पहुँची। लेकिन जब शो की स्क्रीनिंग खत्म हुई तो दोनों मीडिया से बात करने के लिए साथ में आए, जिस दौरान मीडिया ने दोनों से वैलेंटाइन प्लान से जुड़ा सवाल किया। वेल, यहाँ सबको उम्मीद थी कि दोनों अपने प्यार का कन्फेशन जरूर करेंगे, लेकिन बजाय इसके मीडिया को शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिला, जब इस सवाल के जवाब में मोहित ने कहा कि उससे पहले शिवरात्रि आएगी और मैं खुश हूँ कि मेरी वेब सीरीज इस दिन रिलीज हुई। वैलेंटाइन डे से पहले शिवरात्रि आ रही है, सो आई गेस मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। पार्वती और शिव भी यहां पर हैं। आई एम वेरी फॉर्चूनेट इनफ मैं बल्गेरिया में होंगी। सी आई गेस आई एम वेरी फॉर्चूनेट कि शिवरात्रि के दिन के आसपास ही हमारा शो रिलीज हो रहा है, सो दैट्स अ ब्लेसिंग। अब ये जवाब देने के बाद मोहित मीडिया को थैंक यू बोलकर आगे बढ़ गए, बिना मौनी की तरफ ध्यान दिए, जबकि मौनी का रिएक्शन भी काफी क्लूलेस था क्योंकि उनकी नजरें मोहित पर ही रहीं कि आखिर कैसे मोहित उन्हें छोड़कर आगे निकल गए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि फिर बाद में मौनी ने भी मीडिया से कुछ देर तक बात की। पर अगर मौनी के वर्क फ्रंट की बात करें तो मौनी फिलहाल बुल्गारिया में है और अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग कर रही है। लेकिन अगर मोहित के बिहेवियर की यहाँ बात की जाए तो हमें हैरानी इस बात की हो रही है कि आखिर मोहित किस बात से इतना इरिटेट हो गए कि वो अपनी लेडी लव को अकेला छोड़कर आगे निकल गए।